हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज की जो असी क्लास शुरू कर जा रहे हैं, ये क्लास है इतिहास पंजवें सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव पातशाह का। जिन्हां बच्चों ने, जिन्हां गुरसिखा ने गुरु अर्जन साहब पातशाह के इतिहास के मुकाबले की तैयारी करनी है, उन्होंने विशेष बेनती है, ये जिहड़ा इतिहास है तुसी ध्यान दे नाल जिहड़ा है उन्हों समझण दा यतन करना है। पॉइंट वाइज जिहड़ा है वो आपां इह सारा इतिहास जिहड़ा है तीन जां चार क्लासां दे विच आपां इह विचार करांगे। सो आओ सब तो पहला आपां आरंभ करदे हां इतिहास श्री गुरु अर्जन देव जी। जिहड़ा गुरु अर्जन साहब का इतिहास है, इहदे विच आपां इह जिहड़े पॉइंट ने, अज दी क्लास जिहड़ी अपनी है, अज की क्लास के आपां इह जिहड़े ने उह आ जिहड़े पॉइंट ने, सब तो पहला जन्म प्रकाश, उस तो बाद गुरु अर्जन साहब का बचपन, उन्हां दी विद्या, गुरु अर्जन साहब जी का विआह, सतगुरां जी का लाहौर जाना, तो गुरता गद्दी के उपर बैठना, गुरु बनना, इथों तक जिहड़ा है वह आपां अज दी क्लास विच विचार करनी है। सब तो पहला जन्म ते माता पिता, तो गुरु अर्जन साहब का जो जन्म है वो 15 अप्रैल जिहड़ा पुराने, क्योंकि वख वख जिहड़ियां इतिहासकार ने उन्होंने वख वख तरीकां लिखियां होईयां ने, पर बहुतां जिहड़ा प्रचलित है वह 15 अप्रैल 1563 ईस्वी सन, ठीक है जी। तो ये की है ईस्वी सन 1563 15 अप्रैल में गुरु अर्जन साहब जी का जो प्रकाश है वो होया किथे, स्थान किस स्थान ते होया, गोविंदवाल साहब। तो ये बहुत जरूरी सवाल है, गुरु अर्जन साहब का प्रकाश किथे होया, कदों होया, ठीक है जी। तीसरा, अच्छा जो गोविंदवाल साहब है, गोविंदवाल साहब यह भी सवाल आ सकता है, गोविंदवाल साहब तीसरे गुरु गुरु अमरदास साहब ने वसाया सी। जिहड़ा गोविंदवाल साहब है ना, सारिया संगतां नूं बेनती है याद रखना है, गुरु अमरदास साहब पातशाह जी ने गुरु अंगद साहब पातशाह दे कहन दे उपर गोविंदवाल साहब रचना कीती, जिथे बौली साहब बनी हुई हैगी है ना, तुहानू याद आ जाएगा बौली साहब तो, जिहड़ी बौली साहब है वह गोविंदवाल साहब ही बनी हुई है। तो जन्म 1563, स्थान गोविंदवाल साहब, गोविंदवाल साहब गुरु अमरदास साहब पातशाह ने वसाया सी। उस तो बाद ने माता पिता, ठीक है, पिता का की नाम है, गुरु रामदास साहब चौथे पातशाह, गुरु रामदास जी, ठीक है। माता का नाम की है, माता भानी जी, ठीक है जी। पिता गुरु रामदास साहब जी, माता का नाम माता भानी जी। उस तो अगे चलो, गुरु अर्जन देव पातशाह दे नाना जी कौन ने, नाना कौन ने, दादा कौन ने, यह भी याद रखना है, बहुत
जरूरी सवाल है, गुरु अर्जन साहब पातशाह दे नाना जी कौन ने, दादा जी कौन ने? ठीक है, तो नाना कौन ने? गुरु अमरदास साहब, तीसरे गुरु जी, तीसरे गुरु गुरु अमरदास साहब जी कौन ने? नाना जी। दादा जी कौन ने? हरिदास जी, हरदास जी, दादा जी ने। हरदास जी कौन ने? गुरु रामदास साहब पातशाह जी दे पिता, गुरु अर्जन साहब पातशाह जी दे दादा जी। अगे चलो, गुरु अर्जन साहब पातशाह जी दे जन्म प्रकाश तो पहला गुरु रामदास साहब पातशाह माता भानी दे घर विच दो पुत्रां दा पहला ही जन्म हो चुका है। अर्थ कि गुरु अर्जन साहब पातशाह दे वड्डे दो भरा ने, गुरु रामदास साहब दे तीन पुत्र ने, गुरु अर्जन साहब पातशाह दे दो वड्डे भरा ने, उन्हां दा नाम की है? वड्डे भरा एक नंबर दे उपर तिरथी चंद जी, की नाम है? तिरथी चंद, ये कैमरे ने नेड़े कर लेना नाम, तिरथी चंद। दूसरे कौन ने? महादेव जी, याद रखने बच्चे हो। तो वड्डे भरा ने तिरथी चंद जी, दूजे ने महादेव जी। जेड़े वड्डे भरा तिरथी चंद ने उन्हां दा जन्म है जेड़ा वो 1557 नूं होया, सन 1557 नूं जन्म होया बाबे तिरथी चंद दा। दूजे ने महादेव जी, इन्हां दा जन्म कदों होया? 1560 ईस्वी। ठीक है जी, तो याद रखना है वड्डे भरा ने गुरु तिरथी चंद जी, तिरथी चंद वड्डे भरा ने, जन्म होया 1557। दूजे भरा ने बाबा महादेव, जन्म होया 1560। तीजे ने गुरु अर्जन देव पातशाह, जन्म होया 1563। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है, एक करी सारा तुसी नोट कर लो। हुण अगे चलो, गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे मासी कौन ने? मासी जी कौन ने? बीबी दानी। मासी कौन हुंदी है? माता दी भैन। बीबी दानी जी, ठीक है। गुरु अर्जन साहब दे मामा जी कौन ने? ये सारे सवाल आउणगे तुहानूं। मामा जी कौन ने? मामे दा की अर्थ हुंदा है? नाना जी दे पुत्तर, मामा, मां दे भरा। तो कौन ने? बाबा मोहन, मोहन जी, ठीक है जी। दूसरे ने बाबा मोहरी जी, ये नाम नोट कर लो। मामा जी कौन ने? बाबा मोहन जी ते बाबा मोहरी जी, ठीक है जी। तो ये नोट कर लो सारे जो उन्हां दे रिश्ते ने। उस तो अगे चलते हैं, गुरु अर्जन देव पातशाह जी जदों बचपन दियां, हुण उन्हां दा बचपन आ गया, ये आपां विचार लिया, आ गया दूसरा नंबर बचपन।
गुरु अर्जन साहब का बचपन है बहुत भगती वाला है, बड़ा शांत चित रहिंदे ने, ठीक है, बहुता नहीं बोलते सन। शांत रहिंदे ने, बिल्कुल शांत सुभा सी गुरु अर्जन देव जी का बचपन दे विच। आम बच्चे वांग चंचल नहीं सन, ठीक है। एक दिन की होया, गुरु अर्जन देव पातशाह नूं बचपन दे विच नाना गुरु अमरदास साहिब पातशाह दे कोलों एक दात मिली। बचपन दे विच नाना जी दे कोलों एक असीस प्राप्त हुई, इहनूं कहांगे बचपन दी असीस, ठीक है, बचपन दी असीस नाना जी दे कोलों। नाना गुरु अमरदास जी, नाना गुरु अमरदास जी दे कोलों बचपन दी एक असीस प्राप्त हुई। वो असीस की सी? दुहता बाणी का दोहिता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दोहता बाणी का बोहिथा। बोहिथा का क्या अर्थ होता है? जहाज। ये असीस किवें प्राप्त हुई? समझो, गुरु अर्जन देव पातशाह छोटे ने बचपन दे विच इंज घर का जिहड़ा विहड़ा हुंदा है उस विहड़े दे विच खेडदे रहे ने, थले रड़के इंज खेड रहे ने। खेडदिआं खेडदिआं नाना जी अंदर, गुरु अमरदास साहिब पातशाह घर दे अंदर कमरे दे अंदर सुते पए ने पलंग दे उपर, और छोटे जे सन। रिड़दिआं रिड़दिआं होया, खेडदिआं खेडदिआं होया दहलीज नूं पार करके कमरे दे अंदर चले गए। जदों अंदर चले गए जाके, क्योंकि जिहड़ी उहनां हथ खुदो सी ना बच्चे, जिहड़ी खुदो सी हथ दे विच, जिहनूं असीं बॉल कहिंदे आ, बॉल हुंदी है प्लास्टिक दी बनी, रबड़ दी बनी, खुदो हुंदी है कपड़िआं नूं लपेट लपेट के जिहड़ी गेंद बनाई जांदी है, कपड़िआं दी गेंद नूं खुदो कहा जांदा सी। तो वो जिहड़ी गेंद सी ना, उस नूं अंदर जिहड़े सानूं अंदर चली गई, पिछे चले गए, चले गए जदों पिछों, ते नाना जी दा जिहड़ा पलंग सी, मंजा सी, उस मंजे नूं हथ पकड़ खड़े हो गए, और खड़े हो के एंड जोर दी मंजे नूं हिलाउणा शुरू कर दिता। जदों मंजे नूं जोर दी हिलाया ते एकदम गुरु अमरदास साहिब पातशाह सुते पए ने मंजे दे उपर, अखां बंद करके अपनी बेटी नूं, कहड़ी बेटी सी वड्डी, बीबी भानी, बीबी भानी नूं आवाज दिंदे ने, भानीए ये कौन पुरख है भारी जिसने मंजी हिलाई साडी सारी। महिमा ऐ जिहड़ा है वो बंसावली नामे च इदा लिखिया बचन मिलता है, कहा तो इदा ही होगा भी कौन ये इन्ना ताकतवर जिहड़ा साडी मंजी हिलाउंदा पिया, कौन है? तो उत्थे बचन ने कौन पुरख है भारी जिन्हें मंजी हिलाई साडी सारी। जदों बाहरों बीबी भानी नूं आवाज गई भी पिता जी आवाज दिंदे पए ने, तां बीबी भानी जी भज के आए, देखिया जोर दी मंजे नूं इंज हिला रहे सी, तां बीबी भानी ने कहा पिता जी ये तुहाडा दोहता जी, ये कौन है तुहाडा दोहता है? जदों दोहता सुनिया ते गुरु अमरदास साहिब पातशाह बड़ा प्यार करते सन दोहते नूं, पर नाने नाल, नाने नूं दोहते नाल प्यार हुंदा ही है, सो अखां खोलियां ते इंज चुक के ना थल्ल्यों, चुक के थल्ल्यों ते अपनी गोद विच बिठा लिया, ते गोद विच बिठा के कहा, कहन लगे पुत्री भानीए दोहता ते पिरथी चंद भी है, वड्डा भरा ना पिरथी चंद, दोहता ते पिरथी चंद भी है, दोहता ते महादेव भी है, ये कल्ला दोहता नहीं, ये दोहता बाणी का बोहिथा है। तो ये बाणी का बोहिथा का की अर्थ सी? ये बाणी नूं उचारण करेगा, ये बाणी रूपी जहाज नूं बनाएगा,
इस करके कहा दोहता बाणी का बोहिथा, ए मेरा दोहता बाणी का बोहिथ बनेगा। तो ए असीसी जेडी बचपन दे विच गुरु अर्जन दे पातशाह जी नू नाना गुरु अमरदास साहिब पातशाह दे कोलों प्राप्त होई। ठीक है जी, हुण अगे आपां गल करदे आ उहनां दी विद्या। ਇਹ ਤੀਜਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਜੀ ਵਿਦਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਬੇਣੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ? ਪੰਡਿਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ, ਗਣਿਤ ਗਣਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਣਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਥ ਨੂੰ। ਤੋ ਗਣਿਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਮੋਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਾਮਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਦਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੰਡਿਤ ਬੇਣੀ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਗਣਿਤ ਮੈਥ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੋਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ ਮੋਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਵਿਆਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚੰਦ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਚੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੂਜੇ ਭਰਾ। ਇਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਦੇਵ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ? ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ, ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇਹਰ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਹਾਹਾ ਰਾਰਾ, ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥਚੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਜੀ ਨਾਲ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ।
गुरु अर्जन देव जी का जरा विह है वह किस न होया? माता गंगा जी नाल। ठीक है जी। कितना विह होया? माता, हां जी माता गंगा जी, गंगोनी आप पढ़ो ना सवार के, माता गंगा जी नाल होया। ठीक है, वड्डे भरा का विह किस नाल होया? बीबी करमो नाल, माता गंगा जी नाल होया। माता गंगा जी का कौन सा पिंड सी? इन्हां दा पिंड सी पिंड मौ। पिंड का की नाम है? मौ पिंड। मम्मा उड़े नूं कन्ना मौ। ठीक है जी। उम्र किन्नी सी गुरु अर्जन देव जी दी? 11 साल। तो यह भी अपना सवाल, विआह वेले गुरु अर्जन साहब की उम्र किन्नी सी? 11 साल। ठीक है जी। इहदा अर्थ बनता है जे गुरु अर्जन साहब का विआह 1574 ईस्वी नूं होया। ठीक है जी, याद रखना है। 11 साल उम्र दे विच 1574 नूं ईस्वी। ठीक है, गुरु अर्जन साहब का विआह माता गंगा जी दे नाल 11 साल की उम्र 1574 ईस्वी नूं मौ पिंड विखे होया। माता गंगा जी के पिता का नाम की है? कृष्ण चंद जी। की नाम है? माता गंगा जी के पिता का नाम की है? कृष्ण चंद जी, याद रखना है। ठीक है जी। सो यह सी उन्होंने बारे, एक बार लिख लो सारे मुढ़ली जानकारी। ठीक है जी, ऐसी उन्हां बारे मुढ़ली जानकारी। ठीक है जी, हुण आपां अगे चलते हाँ गुरु साहब जी का। हुण आपां ए सारे पॉइंट विचार ले ना, आपां हुण आपां चलते हाँ लाहौर जाना। ठीक है जी, और उस तो बाद गुरता गद्दी। हुण आपां दो पॉइंट उचार जिहड़े ने इह समझ रहे ने। गुरु रामदास साहिब पातशाह उन्हां जन्म 1534 ईस्वी का लाहौर की धरती ते होया। आपां सारे जानते हाँ 1534 ईस्वी नूं लाहौर की धरती ते गुरु रामदास साहिब का जन्म प्रकाश होया सी। गुरु रामदास साहिब पातशाह दे ताए दा पुत्तर सिहारी मल, समझना है। बहुत बहुत जरूरी है। गुरु रामदास जी दे गुरु रामदास जी दे ताए दे पुत्तर, ठीक है, गुरु रामदास जी दे ताया जी दे पुत्र दा नाम है, पुत्र दा नाम की है? सिहारी मल। बहुत जरूरी सवाल है, की नाम है जी? हां जी सिहारी मल। कौन? गुरु रामदास जी दे ताए दे पुत्र ने सिहारी मल। सिहारी मल दे पुत्र दा विआह आ गया। सिहारी मल जी दे पुत्र दा विआह। बहुत जरूरी सवाल है, इथों जिहड़ी है इतिहास चेंज हुंदा है। पुत्र दा विआह आ गया,
सिहारी मल जी गोविंदवाल साहब आए व्याह उत्ते आखण लई आए ना, आखना ही सी व्याह लई तां आखना ही सी। जदों व्याह ते आखण लई आए तां उस समय गुरु रामदास जी गुरु बन चुके सी, ठीक है बन चुके सी। इस करके गोविंदवाल साहब दे विच भी जिहड़ियां सी उह गोविंदवाल साहब दा जिहड़ा सी उह कारो कम चलदा पिया सी उसारी दा। दूजे पासे अमृतसर साहब दी धरती दे उपर भी जिहड़ा सी उह कम चल रहा सी। अमृतसर साहब नवा नगर वसाया सी गुरु रामदास साहब ने, है ना, उहदी उसारी दा काम दूरों दूरों संगतां जिहड़ियां उह अमृतसर साहब आउंदियां सन, अमृतसर साहब आउंदियां सन संगतां। इस करके गुरु रामदास साहब पातशाह ने यह सोचिया भी जे असी लाहौर जावांगे, एक तां जे गुरु रामदास साहब लाहौर जाणगे तां सारी लाहौर दियां संगतां दर्शन करन वास्ते सिहारी मल जी दे घर आउणगियां, ते व्याह दी थां दे उत्ते चारे पासे ध्यान गुरु रामदास साहब पातशाह वाल संगतां दा हो जाएगा। पहली गल। दूजी गल, इन्नियां संगतां नूं संभालण दा प्रबंध सिहारी मल जी कोले होवे जां ना होवे कोई जरूरी नहीं सी। तीसरा कारण, अमृतसर साहब जिहड़ियां संगतां गुरु रामदास साहब दर्शन करन आउंदियां सन उह संगतां दूरों दूरों चल के आउंदियां सी, काबल तों, कंधार तों, कश्मीर तों, पूर्ब तों आउंदियां सन, थले दक्खण तों आउंदियां सन। उह संगतां नूं गुरु रामदास साहब पातशाह नहीं मिलणगे ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਮਲ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਰਥੀਚੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਲਾਲਚ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਉਣ ਨਾ ਦੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਮਾਰਿਆ? ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਕੀ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬਹਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਚੰਦ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਮਾਰਿਆ?
दूजा बहाना मेरे तो बिना गुरु घर का प्रबंध कौन चलाएगा। ठीक है, पहला बहाना की मारिया मेरा जी नहीं लगना, दूजा बहाना की मारिया मेरे तो बिना गुरु घर का प्रबंध कौन चलाएगा। गुरु पिता जी तुसी तां संगतां दे विच बैठे रहिंदे हो, हजारां संगतां आउंदियां ने, उन्हां दे खाण दा प्रबंध, उन्हां दे सौण दा प्रबंध, उन्हां दे रहण दा प्रबंध, है ना, इह प्रबंध कौन चलाएगा। खतरा पिरचंद्र होर भी सी, खतरा किसी पिरचंद्र एक होर जिहड़े गुरु घर दी गोलक दी माया आउंदी सी, धन आउंदा सी, उह सारा पिरचंद ही संभालदा सी। इस करके जे किते मैं लाहौर चला गया तो मेरे तो बाद किन्ना धन आउंदा, किथे किथे लगदा, ये समझ सब नू पै जानी है। क्योंकि पृथ्वी चंद अद्धा धन छुपा लैंदा सी, अद्धा धन खर्च करदा सी, वह मेरी पोल खुल जानी है। इस करके बहाना की लाया मेरे तो बिना गुरु घर का प्रबंध कौन चलाएगा। गुरु रामदास साहब कहन लगे पृथ्वी चंद जी तुसी सारा प्रबंध बाबा बुढ़ा साहब नू संभाल देवो। पृथ्वी चंद नूं हुण तीसरा बहाना की करदा है, दूसरा बहाना सी, तीजा बहाना की मारिया गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, इस करके लाहौर विच गर्मी बहुत पैंदी है, इन्नी गर्मी दे विच मैं नहीं रह सकदा। जदों तीन बहाने पृथ्वी चंद ने मारे ते गुरु रामदास साहब ने समझ लिया ये साडा हुक्म नहीं मनदा, ते जिहड़ा हुक्म ना मन्ने उहदे उपर गुरु जी प्रसन्न नहीं हुंदे। क्योंकि हुक्म मन्ना होवै प्रवान तां खसमे का मैल पाई सी, गुरबाणी कहिंदी आ हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। तो इस करके जदों ये तीन बहाने पृथ्वी चंद ने मारे तां गुरु पातशाह जी ने कहा ठीक है तुसी ना जाओ, रहण दिओ, अपने दूसरे पुत्र नूं बुलाया। दूसरे पुत्र कौन ने? महादेव जी। महादेव जी नूं कहन लगे महादेव जी तुसी चले जाओ। महादेव कहन लगा कौन ताया ते कौन ताए दा पुत्र, असी तां नाम जपना है, सिमरन करना है, कोई कुछ, कोई ताया नहीं, कोई ताए दा पुत्र नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं हुंदी, ये तां सब कुछ नाशवंत होण वाला है, इस करके मैं तां बंदगी करदा हाँ, मैं नहीं जा सकदा। इस करके इन्हां ने भी जवाब दे दिता। जदों दोने वड्डे भरावां ने जवाब दिता फिर तीसरे पुत्र नूं अर्जन देव जी, गुरु अर्जन देव जी ने ना उस समय गुरु नहीं सन बने, तीसरे पुत्र अर्जन देव जी नूं गुरु रामदास साहब ने बुलाया, कहा पुत्र जी तुसी लाहौर साढ़े कहण दे उपर सिहारी मल दे पुत्र दे विरुद्ध शामिल होवो। ते गुरु अर्जन साहब ने मत्था टेक के कहा पिता जी हुक्म करो कदों जाना है। उस समय जाने लई तैयार हो गए। गुरु रामदास साहब पातशाह दे कहण दे उपर गुरु अर्जन साहब पातशाह लाहौर जांदे ने। लाहौर जाण वेले गुरु रामदास साहब पिता ने कहा सी गुरु अर्जन देव जी नूं पुत्र जी जड़ तक असी तुहानू वापस ना बुलाइए, तुसी उत्थे रह के ही धर्मशाला कायम करनी है, उत्थे संगतां नूं गुरबाणी नाल जोड़ना है, सिक्खी का प्रचार करना है, जदों असी तुहानू वापस बुलावांगे उदों ही वापस आउणा है, साडे हुक्म तों बिना वापस नहीं आउणा है। सो पिता गुरु रामदास दा हुक्म मन के गुरु अर्जन देव पातशाह जी लाहौर चले जाते ने। ठीक है जी, लाहौर गए, वड्डे दोनों भरावां ने जवाब दिता, गुरु अर्जन साहब ने हुक्म मन्या, लाहौर चले गए। लाहौर जाके सिहारी मल जी दे पुत्र दे विआह विच शामिल होए, विआह देखिया, उस तों बाद धर्मशाला कायम कीती।
धर्मशाला, ठीक है जी, धर्मशाला बनवाई, ठीक है, गुरबाणी ते सिखी दा प्रचार करते रहे। जदों चार महीना समा बतीत हो गया, ठीक है, हुण गुरु अर्जन देव जी नूं लाहौर गया, चार महीने हो गए, हुण उन्हां दा मन गुरु दर्शनां नूं करदा है, की करदा है, मन गुरु जी दे दर्शनां नूं करदा है, ठीक है। पर हुक्म की सी, साढ़े वापस बुलाए तो बिना वापस नहीं आना, इस करके गुरु अर्जन देव जी पिता गुरु रामदास साहब जी नूं चिट्ठियां लिखते ने, ठीक है जी, की लिखियां, तीन चिट्ठियां लिखियां, तीन चिट्ठियां लिखियां गुरु अर्जन देव जी, चिट्ठियां दे के सिख नूं भेज दे, ओ चिट्ठियां सी जेड़ियां ओ पृथ्वी चंद नूं पहुंच जांदियां, किस नूं मिलदियां, हां जी पृथ्वी चंद नूं। पृथ्वी चंद वड्डा भरा सी, ओ नहीं सी चाहुंदा वी छोटा भरा इत्थों वापस आवे, ओ चाहुंदा सी वी ओ उत्थी रहे ते गुरता गद्दी उत्ते गुरु बन के मैं बैठ जावां। इस करके पृथ्वी चंद अपने कोलों ही चिट्ठियां दे पत्तर जवाब दिंदा रहा, आप ही आंसर दे दिंदा सी, की आंसर दिंदा सी, गुरु रामदास साहब जी दा नाम लिख के असीं तुहानूं हुक्म करदे आ, अजी तुसीं इत्थे रह के संगतां दी सेवा करो, इत्थे रह के गुरबाणी दा प्रचार करो, अजे तुहानूं इत्थे आउण दी कोई जरूरत नहीं है। इदां करके पृथ्वी चंद अपने कोलों ही जवाब लिखदा, पहली चिट्ठी लिखी तां वी जवाब यही, चिट्ठी नंबर दो लिखी, तीन नंबर चिट्ठी लिखी। गुरु अर्जन साहब पातशाह चिट्ठी दे उपर इतिहासकार लिखते ने, ये नंबर पा देंदे सी, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। हुण की होया, जदों तीन चिट्ठियां आईयां ते कोई इदां दा जवाब ना आया भी वापस आ जाओ, गुरु अर्जन साहब जी लाहौर विच ने पुछदे ने जिहड़ा सिख चिट्ठियां लैके आउंदा सी, चिट्ठियां किस नूं दिंदे हो, तां उहने दस्सिया चिट्ठियां मैं पृथ्वी चंद जी नूं दे दिंदा हाँ। ते इस वार गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि चिट्ठियां जाके गुरु पिता गुरु रामदास साहब जी नूं खुद देनियां ने, किसी नूं नहीं पकड़ाउणियां। ते चौथी चिट्ठी लैके डाकिया जिहड़ा सी सिख सी ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 4 ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੌਥੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 4 ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹੋਰ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ
चिट्ठियां दियो। प्रतिजन सी जिहड़ा ओ गुरु रामदास साहिब पातशाह दे सामने भरे दरबार गुरु नानक साहब जी की सहुं खा गया कि मैनू गुरु नानक साहब जी की सहुं है, मैनू चिट्ठियां दा कुछ भी पता नहीं। गुरु रामदास साहब जी ने एक सिख नूं प्रतिजन दे घरे भेजिया। जदों घरे भेजिया बीबी करमो जाके सिख ने कहा जिहड़ियां चिट्ठियां लाहौरों आईयां सन वह गुरु रामदास साहब जी ने ते प्रतिचंद जी ने बुलाईयां ने मंगवाईयां ने, ते बीबी करमो नूं पता नहीं सी इस करके वह चिट्ठियां घर पईयां होईयां सन। वह चिट्ठियां बीबी करमो ने सिख नूं दित्तियां। वह चिट्ठियां गुरु रामदास साहब पातशाह दे कोल भरे दरबार पहुँच गईयां, जिहदे नाल प्रति पता लग गया भी प्रतिचंद मन में कपट रखता है, बेईमानी रखता है, चिट्ठियां घरे लुको लैंदा सी। ते भरे दरबार विच गुरु नानक साहब के नाम की सहु भी इन्हें खाधी है। सो इस करके गुरु अर्जन गुरु रामदास साहब पातशाह ने भावें प्रतिचंद नूं कुछ नहीं कहा पर अंदरों पता लग गया कि प्रतिचंद अत्ता चलाक कपटी ते बेईमान है। उस समय बाबा बुढ़ा साहब नूं भेजा जांदा है लाहौर की धरती के उपर। ठीक है जी, कौन गए लाहौर धरती के उत्ते? यह सवाल आ सकता है कि गुरु अर्जन देव जी नूं लाहौर लैण वास्ते कौन गए, तो जवाब की है? बाबा बाबा बुढ़ा जी। ठीक है जी, ये गए ने बाबा बुढ़ा साहब गए और गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं सन्मान सहित नमस्कार की गुरु पुत्र जान के। गुरु अर्जन साहब पातशाह ने भी बाबा बुढ़ा साहब जी के चरण छूहे, तो गुरु अर्जन साहब पातशाह नूं नाल लैके 1500 याद रखना है, गुरु अर्जन साहब पातशाह जी नूं नाल लैके बाबा बुढ़ा साहब 1541 सन 1581 नूं ईस्वी, ठीक है, वापस गोविंदवाल साहब आउंदे ने, ते गोविंदवाल साहब ही गुरु अर्जन दे भावें कि इतिहासक कहिंदे ने भी कई अमृतसर साहब लैके आए, अमृतसर साहब लैके आए। अमृतसरों गुरु रामदास साहब पिता जी ने जिहड़े वो अगले दिन गोविंदवाल साहब चले जाते ने और गोविंदवाल साहब विखे ही प्रतिचंद नूं नहीं बुलाया जाता, गुरु रामदास साहब पिता जी अपने सारे परिवार समेत गोविंदवाल साहब चले जाते ने। उत्थे जाके दो दिन तो बाद गुरु रामदास साहब जी भरे दरबार दे विच अपनी जगह दे उपर अमृत वेले दीवाना दे विच गुरु अर्जन देव जी नू गुरता गद्दी उत्ते बिठा के गुरु बना दिंदे ने। ठीक है जी, गुरता गद्दी दे उत्ते बिठा के गुरु बना दिंदे ने। तो गुरु अर्जन देव पातशाह गोविंदवाल साहब की धरती दे उत्ते सवाल आ सकता है गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं गुरता गद्दी दे उपर किस अस्थान ते बिठाया गया, ते कित्थे बिठाया गया सी? गोविंदवाल साहब की धरती ते 1581 ईस्वी नूं गुरता गद्दी ते बिठा के गुरु रामदास साहब पातशाह ज्योति जोत समा जांदे ने। ठीक है जी, तो गुरु अर्जन देव पातशाह 1581 ईस्वी नूं गुरता गद्दी दे उत्ते बैठे ते 1581 ईस्वी विच ही गुरु रामदास साहब पातशाह गोविंदवाल साहब की धरती दे उपर ज्योति जोत समा जांदे ने। ते गुरु नानक साहब जी की थान दे उत्ते पंजवें गुरु गुरु अर्जन देव पातशाह बन जाते हैं। सो यह सी जी अज की क्लास, ये अज आप जन्म प्रकाश तो लैके गुरता गद्दी तक जी है वो आप क्लास सांझी की है। सो गुरता गद्दी तो लैके अगली जी क्लास है वो आप अगे विचारांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की